हेलो दोस्तों, और आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और सर्दियां चल रही हैं तो बाज़ार में बहुत ही कलरफुल और फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, तो आज हम इन्हीं सब्जियों का यूज़ कर मुंबई की फेमस रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके इसे रफली या बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं, यह मैंने पत्ते गोभी, बीन्स, गाजर, आलू का, टमाटर सभी को बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़ों में अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कुकर को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है, तेल की जगह आप बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर इसे भी ऑयल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालना ऑप्शनल है, लेकिन तेज़पत्ता से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 2 टमाटर डालेंगे। और अब हम इसमें रफली कटे हुए आलू डालेंगे, गोभी डालेंगे और कटे हुए बीन्स डालेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, जिससे सब्जियां हमारे जल्दी भुनेगी। और अब हम इसमें कटे हुए गाजर ऐड करेंगे, रफली या बड़े टुकड़ों में कटे हुए पत्ता गोभी ऐड करेंगे। आप इसमें अपने पसंद की और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1/2 कटोरी मटर और 1 बीट रूट रफली कट करके ऐड कर दी हूँ। और अब हम इसमें बीट डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बीट डालने से ये और भी ज़्यादा हेल्दी और कलरफुल बनता है। और अब हम इसे चम्मच से हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से सब्जियां हमारी जल्दी गलेगी और अच्छे से पकेगी। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को एक बार फिर से हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप देख सकते हैं, सब्जियों को भूनते हुए 2 मिनट हो गई है। और अब हम इसमें 1/2 कप या 1/2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। और हाई फ्लेम पे हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा करके गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पे हम कुकर में 4 से 5 सीटी आने देंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुकर को पकने देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। इस तरीके से कुकर की सारी सब्जियां जल्दी भी पकेगी और अच्छे से गलेगी भी। और आप देख सकते हैं, कुकर ठंडा हो गया है। और अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं, सारी सब्जियां हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से गल गई है। हम इसे अच्छे से दबाते हुए चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं इसे मिला रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जा रहा है। हमें बिल्कुल इस रेसिपी बनाने के लिए ऐसा ही चाहिए था सब्जी को। और अब हम इसमें से तेज पत्ते को निकाल लेंगे, क्योंकि इसका काम हो गया है और इसका फ्लेवर सब्जियों में बहुत ही बढ़िया आ गया है। और आप देख सकते हैं, सब्जी अभी काफ़ी गर्म है, तो हम इस तरीके से मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और इस तरीके से गर्म में आप इसे मैश करेंगे तो ये इजीली मैश हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ मैं इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके रखी हूँ। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, जिससे सब्जियों का फ्लेवर बना रहेगा और सब्जियों हमारे अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच
बटर डालूंगी। यहाँ मैंने घर का बनाया हुआ बटर का यूज़ की हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द हो सकेगा तो शेयर करूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने घर का फ्रेश बटर का यूज़ की हूँ। और बटर डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और आप देख सकते हैं बटर हमारा अच्छे तरीके से गर्म भी हो गया है और ये मेल्ट भी हो गया है। और इस टाइम पे हम इसमें हाफ टी स्पून या आधा चम्मच जीरा डालेंगे और बारीक कटा हुआ, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, बारीक कटे हुए प्याज डालकर हम इसे हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से भून लेंगे, जिससे प्याज हमारे अच्छे से सुनहरे कलर के हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज को बढ़िया तरीके से भून लिया है। और इसका इस तरीके से आप प्याज भूनेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बटरी आएगा। और अब हम इसमें बारीक 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे इंग्रेडिएंट हमारे बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें बाजार जैसा फ्लेवर आने के लिए 1 टीस्पून या 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे हम सारे मसाले और प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 20 से 25 सेकंड हो गए हैं मिलाते हुए। और अब हम इसमें मैश किए हुए सारे के सारे बॉयल सब्जी ऐड करेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे सारे सब्जियां जल्दी से कुक होंगे और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जल्दी से सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ हम इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरीके से पकाएंगे। और आप देख सकते हैं सब्जियों का काफ़ी अच्छा कलर आया है बीट रूट की वजह से। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इस तरीके से पकने देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर सारी सब्जियों में अच्छे से अंदर तक आएगा। और अब हमारी रेसिपी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी जब हम इसमें इसका हीरो इंग्रेडिएंट इसके मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच पाव भाजी मसाले इस तरीके से सारे सब्जियों के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे मैशर से एक बार फिर से मैश कर लेंगे। अभी पाव भाजी की भाजी हमारी काफ़ी गर्म है, तो अगर आपको बड़े बड़े चंक्स दिख रहे हो तो आप इसे पैन में ही एक बार फिर से मैशर से इस तरीके से मैश कर लें, जिससे ये देखने में बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। और आप देख सकते हैं पाव भाजी की भाजी हमारी बहुत ही बढ़िया से कुक हो गई है और इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसा आया है। यहाँ मैंने फूड कलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और अब हम मैशर को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बाजार जैसा भाजी बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए हरी धनिया डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसमें बिल्कुल बाजार जैसा ढेर सारा मक्खन ऐड करेंगे, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा फील होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून मक्खन डाल दी हूँ और इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। और भाजी तो हमारी तैयार हो गई है, तो चलिए अब हम पाव सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक तवा ली हूँ, तवा को गैस पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे तवा को अच्छे से गर्म होने देंगे। तवा हमारी गर्म हो रही है, तब तक यहाँ मैं पाव ली हूँ। पाव को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे और अब हम तवे के ऊपर बटर डालेंगे। यहाँ मैंने बटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बटर के ऊपर पाव को डालेंगे और पाव को डालकर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे पाव हमारे इंस्टेंट अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। और अब हम स्पैचुला या इस तरीके से बड़े चम्मच से हम इसे दबा लेंगे
और इसे पलटकर दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और ये लीजिए, पाव भाजी के साथ खाने के लिए हमारा पाव अच्छे तरीके से सिक गई है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं और सेम तरीके से हम सारे पाव को सेक लेंगे। और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे बहुत सारी सब्जियां से बहुत ही इजीली और इंस्टेंट पाव भाजी बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं वेल सर्व की हूँ। आप इस तरीके से बनाएं और इसके ऊपर ढेर सारा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे पाव के साथ इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये लीजिए, हमारा बाजार जैसा हेल्दी और टेस्टी इंस्टेंट पाव भाजी बनके तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने फीडबैक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो का अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।